हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग, मेरे प्रिय रिव्यू व्लॉग्स। तो आज है नवमी, तो गुप्त नवरात्रे चले हुए थे और हम आज कढ़ाई कर रहे हैं। नवमी की कन्या जिमानी है, तो अभी हम हलवा बना रही हूँ। ये देखिए, सूजी डाल दी है तो काफ़ी लेट हो गए हैं आज, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएंगे। जो कन्या जिनको हम जिमा रहे हैं, तो अब सोमवार है 3 फरवरी और हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा और लेट किया तो लेट हो जाएंगे। तो वीडियो इसीलिए मैं थोड़ा लेट शूट की। सुबह उठ के झाड़ू पोछा, नहाना धोना, तैयार होना, तो सब अब सब्जी बन गई है। सोचा भी हलवा बना रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये हलवा भी बना रही हूँ। एक साइड मैंने ये पानी रख दिया है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए हलवा, ये सूजी डाल दी है। तो मैं आटा, थोड़ा सा आटा भी मिक्स करूँगी, क्योंकि सूजी का अकेला अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा आटा मिला के ही बनाती हूँ मैं। तो ये कढ़ाई में ये यहाँ पर पानी गर्म कर दिया पात के लिए। सब्जी हमारी तैयार हो गई है और बस अभी पूरियों का और करना है, बस पूरी बनानी रहती है और हलवा बनते ही। और खीर के लिए चावल उबाल दिए हैं, और तो दूध आते ही खीर और बन जाएगी, क्योंकि चावल उबाल दिए हैं, दूध उबाल के उसमें डाल दूँगी, इससे जल्दी बनती है खीर। अब घर का दूध नहीं होता तो इसीलिए मोल थोड़ा सा वेट करना पड़ता है दूध के लिए। सुबह मैं फटाफट हलवा बना रही हूँ। ये गुप्त नवरात्रे थे दोस्तों, तो आज नवमी है और मैंने व्रत किए थे, तो हम नवमी की कढ़ाई करते हैं। तो सुबह जल्दी जल्दी, आज ये ठीक सही रहा कि आज धुंध नहीं है, आज मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है। आज सुबह जब मैं उठी 6:30 बजे तो धुंध बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, ठंडी हवा चल रही है, सिर धोया है इसलिए मैंने सिर पे स्कार्फ ओढ़ लिया है, और क्योंकि गिल्लों बालों में जब हवा लगती है तो सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं स्कार्फ से बिल्कुल एकदम से बांध लिया है सिर को और जल्दी से तैयार हो ली। सियोल मैंने, हालांकि रसोई में हूँ इसीलिए थोड़ा सा सर्दी नहीं लग रही, बाहर ठंड है, और सियोल ओढ़ के फिर काम भी नहीं होता मुझसे, कि मतलब एक बार यहाँ से उसको पकड़ो, एक बार यहाँ से, ऐसे नहीं होता। तो ये हल्की हल्की सूजी भून गई है, ये देखिए, क्योंकि अब मैं इसमें आटा मिला देती हूँ थोड़ा सा। और एकदम से अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि कच्चा रह जाता है तो हलवे का टेस्ट नहीं आता। हलवा बिल्कुल अच्छे से भुना हो सूजी आटा तो ही टेस्ट आता है, वरना वो कच्चा कच्चापन रह जाता है ना थोड़ा बहुत आटे में, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो अलग से लगता है सफेद सफेद, तो टेस्ट नहीं आता, इसलिए अच्छे से भूनती हूँ मैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट माता रानी शक्ति दे देती है टाइम। और दिनों देखो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता था सुबह सुबह ठंड में ऐसे, और आज देखो भी, आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब सी लग रही थी श्याम से ही, पर देखो भक्ति में कहते ना, भक्ति हो तो शक्ति आ ही जाती है, तो इसीलिए भक्ति की है तो शक्ति माता रानी दे ही देती हैं। ये देखिए सूजी, जब थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लगे तब इसमें मैं पात मिला दूंगी और ड्राई फ्रूट्स भी बाद में डालूंगी। तो ये देखिए भुनने लग गया है, हलवा का कलर चेंज होने लग गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जल्दी जल्दी में तैयार हुए, पता ना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी कन्या आने वाली है, स्कूल में जाना है, तो थोड़ा सा ये है कि कुछ बच्चों को तो 8:30 बजे ही जाना था, पर हमने बोल दिया कि पास स्कूल थोड़ा सा दूर है, तो क्या हम छोड़ आएंगे स्कूल में, कोई ना तब तक परेड हो जाएगी, तो थोड़ी दिक्कत नहीं है। और जो पास के स्कूल के हैं, थोड़ा सा लेट है उनका स्कूल,
9:30 पे लगता है, गवर्नमेंट स्कूल है जो, तो इसीलिए टाइम से हो जाएगा। तो हमने 8:30-9 बजे तक हम जिमा देंगे। तो बच्चे अभी आना शुरू ही होने वाले हैं। देखिए हलवे का कलर दिखा दूँ मैं आपको, देखो चेंज होने लगा, सूजी भूनने लगी, देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। अभी पलटा रुका तो मतलब समझ लो ये नीचे लग जाएगा और फिर वीडियो के चक्कर में रह जाएगा, इसीलिए मैं फ़ोन को थोड़ा साइड में ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर वीडियो के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि हलवा जल जाए। अच्छे से भून लूंगी इसको मैं। हाँ अब की बार नवरात्रों में हमारी कुछ जोड़े की जो जाग देते हैं ना, भूक लगती है जोड़े के साथ, वो भी लगी है। भूख की भी वीडियो शूट की है मैंने, वो भी देखना, वो मैं एक दो कल या परसों शेयर करूंगी, क्योंकि भाई टाइम नहीं लगा आपको पता है। अभी मैं पहले वाली वीडियो डाल रही थी, कल मैंने 30 जनवरी वाली डाली थी सरस्वती पूजा की, वो भी मैंने कल ही डाली, तो टाइम थोड़ा सा ये है निकालना पड़ेगा। तो आज ये मैं कन्या पूजन वाली ये कढ़ाई की है, तो ये वाली डालूंगी। तो उसके बाद कल मीराचे का धाम है उसकी डालूंगी, वहाँ जाएंगे हम, तो प्लीज़ जरूर देखना, यहाँ बहुत अच्छा भंडारा लगता है, बाबा हनुमान का है वो भी, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं। तो उसके बाद मैं गठजोड़े वाली डालूंगी, तो ये ज़रूर देखना और ये वीडियो भी ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, बताना मुझे कमेंट करके। बड़ा मज़ा आता है जब कढ़ाई होती है तो ये हलवा पूरी बनाने में, और प्रसाद में तो मतलब मज़ा आता ही है खाने में भी और खिलाने में भी। तो ये देखो मतलब उस दिन ना मन में एक अलग तरह की खुशी होती है कि हाँ भी आज माता रानी की कढ़ाई है। जो माता रानी की कढ़ाई करते हैं उनको पता होगा कि एक अलग सी खुशी अंदर से आती है माता रानी का नाम लेके। बस फटाफट सारा काम ये है जल्दी जल्दी, और दिनों तो ना ये होता था आँख खुलती नहीं थी सुबह, और इस दिन ये है कि मन में हाँ इसलिए उठना है, काम वाम करना है। तो सब्जी तो मम्मी जी ने बना दी थी, अभी मैं हलवा बना दूँ, बस अभी वो मम्मी जी नहा रही हैं और मैं हलवा बना दूँगी, आटा लगा दूँगी पूरियों का, और फिर खीर की तैयारी कर दूँ, और चावल उबाल दिए हैं और मैं खीर बना दूँगी फिर जल्दी से, और टाइम भी होने ही वाला है। बस ये देखिए किस कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, अच्छे से भून गया है, घी भी छोड़ने लगी है, सूजी घी छोड़ती है ना भूनने के बाद, तो ये जब घी छूटने लगे तो समझ जाओ हाँ भाई हलवा पात के लिए तैयार हो गया है। तो अब इसमें मैं पात डाल दूंगी, मतलब जो पानी गर्म किया है वो डाल दूंगी। हालांकि मैं कई बार ये करती हूँ, जो पात बनाती हूँ ना उसी में चीनी डाल देती हूँ, बट अब थोड़ा सा जल्दी है इसीलिए मैं ध्यान नहीं रहा, अब बाद में डालूंगी चीनी पानी डालने के बाद। तो पात डाल देती हूँ मैं, तो छलना ले लेती हूँ, और क्योंकि पात ना बिल्कुल ही गर्म पानी है तो थोड़ा हाँ बचाव करके डालना चाहिए, ये ना हो कि छींट लग जाए। गैस को धीमा कर दिया है, ये देखिए धुआं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं क्योंकि छींटे ना लगे। ये देखो कितना धुआं, ये भाप निकल रही है, तो मैं एग्जॉस्ट फैन चलाना भूल गई हूँ, तो चला दिया है अब। ये देखो बातों बातों में हलवा भी तैयार हो गया हमारा, बस तैयार होने ही वाला है, थोड़ा सा रहता है बस।
तो ये हो गया है पानी इतना क्या दिया ना, नहीं नहीं मैं सोची नानी से दूध ना मिले किसी का अच्छा ठंड की जाए चलो जल्दी से ना लो भी तो इस टाइम हो गया ठीक है तो मम्मी दूध ले आई है और अभी खीर की तैयारी कर दूंगी बस बना ही दूंगी साथ साथ में फिर पूरियाँ ही रह जाएंगी तो वो मिलके हम कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो ये देखिए हलवे में पानी ना ज़्यादा हो ना कम हो क्योंकि कम रहता है तो सूखा सूखा बनता है ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा पतला बन जाता है इसलिए इतना ही डालें जितनी ज़रूरत हो। सबको काम पे लगा रखा है मैंने इनको शरीफ में फोड़ने के लिए कि आप नारियल तोड़ दो चिन्नी कटोरी का ताजा करके डालूंगी क्योंकि भाई थोड़े बहुत में तो आम ताजा आ जाता है ज्यादा हल्दी में थोड़ा सा काम होता जाता है तो ये देखिए थोड़ी सी और डाल देती हूँ क्योंकि हमारे घर में ना सब मीठा खाते हैं तो आई थी कितनी ठीक रहेगी जरूरत पड़ेगी तो ये हलवा तो ऐसा है बाद में भी नहीं डाल सकते हलवे में तो माता रानी की कढ़ाई। और जब हम पानी बाद में मतलब चीनी नहीं डालते बाद में चीनी डालते हैं तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है इसलिए पानी ध्यान से डालना चाहिए वो चाशनी सी बन जाती है। ये देखिए काजू किसमें इसको डाला भूली गई। नमस्ते बेटा नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते आ गए आप सभी तो काजू डाल देती हूँ मैं किसमिस भी नहीं भिगोई यार जल्दी जल्दी मैं भिगोती थी बट अभी बस डाल दिया तो डाल दिया। ये जो लास्ट टाइम होता है इसमें थोड़ा जल्दी इतने होते हैं कि बस हाथ पैर फूल जाते हैं। तो हलवा हो गया है तैयार तो जो ये किसमिस और ये काजू है ये हलवे में जो घी होता है उसकी सेक से सिक जाएंगे और दाख भी किसमिस यानी कि ये भी सिक जाएंगी इससे हलवे की भाप होती है और ये घी होता है तो इसी में तल जाएंगे वो भाप से पक जाएंगे तो इसमें तो ज़्यादा वो नहीं है भिगोएगी तो कोई बात नहीं। दो हलवे का कलर ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितना अच्छा बना है ज़्यादा सूखा सूखा नहीं अब क्योंकि ठंड है तो जल्दी सूख जाए ये हलवा टाइट हो जाएगा इसीलिए मैंने थोड़ा पतला टाइप में बनाया ज़्यादा पतला भी नहीं है तो एकदम जैसे भंडारे में बनता है ना हलवा मेरे को ऐसे ही पसंद है तो ऐसे ही बनाया है तो जल्दी से मैं लगा लेती हूँ अब आटा और रख देती हूँ खीर। तो गाइस बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं और चावल उबाल दिए पहले मैं दूध उबलना टेक देती हूँ यानी कि रख देती हूँ ये देखो तो चावल देखो उबाल दिए हैं और दूध अभी उबलना रखती हूँ एक पैकेट और देखो दिमाग चलाओ इतना
दस लाइन में भूल गई। आधा गिलास थोड़ा सा डाल पानी, या दूध बनना टेक है ये थोड़ा नहीं देगा आटा है थोड़ा वो पर गे दो दोनों पैकेट लिखोगे डाल दे थोड़ा पानी में गे दे गिलास ठीक नहीं है। अब आटा तो फ्रेंड्स आटा छान लिया था और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाले, थोड़ा सा मीठा सोडा और मोइन यानी कि रिफाइंड ऑयल डाल के और अच्छे से मिक्स किया। मैंने रिंग अपनी उतार दी थी क्योंकि आटा चला जाता है इसमें और चूड़ियों को पीछे करते हुए, और फिर मैंने सारा इनको मिक्स किया आटे को ताकि अच्छे से जो मोइन डाला तेल डाला वो अच्छे से मिल जाए। और पानी के साथ अब मैं आटा लगाऊंगी। मैंने एप्रन पैन लिया क्योंकि सूट खराब हो जाता तो आटा लग जाता फिर सूट पे, और इसलिए फिर मैं हल्के गर्म पानी के साथ आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया है। और आटा ज़्यादा था इसलिए टाइम लगा और अच्छे से लगा दिया आटा नीचे बैठ के मुक्की के साथ आटे को गूंथा। तो अभी बना रही हूँ मैं पूरी, बिठा ले बेटा माता रानी का भोग लगा दिया है यहाँ पे। हाँ
मेरी आशीर्वाद दियो कन्याओं, ये लीजिए भैया, पॉकेट में डाल दो पैसे, पॉकेट नहीं है, अच्छा चलो अभी कभी नीचे गिरा दे, ये लो है, अरे मेरी छोटी कन्या, बस थैंक यू। सासु सराय सेवा करिए बढ़िया बोलिए कन्या पूजन हो गया है कन्याएं विदा कर दी हैं और अब बस बर्तन बर्तन रहते हैं उसके बाद हम भी अपना व्रत खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स कंजक पूज के जो पूजते हैं तब जो जिनको जिमाते हैं हम कंजकों को तो हम पत्तल नहीं यूज करते क्योंकि जो झूठे बर्तन होते हैं वो जो खुद ही साफ करने चाहिए क्योंकि इससे पुण्य मिलता है कि माता रानी का जूठन फेंकना नहीं चाहिए उस अपने हाथों से साफ करना चाहिए तो इसलिए मैं अपने हाथों से साफ करती हूँ। तो अभी ये जो बर्तन है पहले वो करूँगी। गाइज ये मैंने बिल्कुल फास्ट वीडियो कर रखी है तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकती मैं साफ तो वीडियो फास्ट कर रखी है तो इतने सारे बर्तन थे और लंबी वीडियो थी और ज़्यादा टाइम फिर ऐसे बर्तन साफ करके क्या दिखाना तो इसीलिए बट मैंने ये वीडियो भी फास्ट करके इसीलिए डाली क्योंकि कई कमेंट्स करते कि बस दिखा दिए बर्तन के साफ करते हुए तो दिख ही नहीं तो बोल देते हैं कई तो इसीलिए मैं सोची चल भी वीडियो डाल दूं। तो ये देखिए खुद अपने हाथों से साफ करते हैं और माता रानी की पूजा जिस दिन कंजक जमाते हैं और ये देखिए बहुत बरकत देती है माता रानी की पूरी कृपा होती है और ये देखिए उस दिन मतलब पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो जाता है और भी क्या पता इतनी जल्दी जल्दी ना भी बने काम लेकिन उसको मतलब पूरा एकदम से पता नहीं कहाँ से कैसे क्या शक्ति आती है और ये मानती है। बर्तन कर दिए हैं मैंने साफ सारे बहुत ज़्यादा टाइम लगा कम से कम आधा घंटा लग गया मेरे को गर्म पानी था इसलिए जल्दी जल्दी साफ कर दिए